ममता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। कैदाहवा ताल के किनारे शिवपुर गांव के पास झाड़ियों में मिली एक नवजात बच्ची। आपको बता दें कि बस्ती जिले में लालगंज थाना अंतर्गत कैदाहवा ताल के किनारे शिवपुर गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले 24 घंटे से झाड़ियों में पड़ी यह नवजात बच्ची सुरक्षित मिली, जिसे लोग कुदरत का करिश्मा ही मान रहे हैं। शिवपुर गांव के कुछ बच्चे बगल में स्थित कैदाहवा ताल में मछली मारने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें अस्थलवा मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक झोला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो हल्का सा हिल रहा था। बच्चों ने सांप समझकर उधर जाना मुनासिब नहीं समझा और मछली मारने चले गए। पूरा दिन और पूरी रात उसी तरह झोले में वह बच्ची पड़ी रही। रात में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। जब फिर बच्चे मछली मारने के लिए दूसरे दिन वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने वह झोला वहीं पड़ा देखा और उसमें से आ रही कुछ आवाज़ को भी सुना। माजिद नाम के एक लड़के ने जाकर जब झोले को डंडे से देखा, तो उसमें एक छोटे बच्चे का पैर दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने तत्काल पूर्व प्रधान राम प्रकाश सिंह और चौकी प्रभारी अरविंद कुमार यादव को दी। चौकी प्रभारी कुदरा अरविंद कुमार यादव के साथ राम प्रकाश सिंह और ग्रामीण नवजात बच्ची को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुँचे। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर शशि ने जब बच्चे का परीक्षण किया, तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ मिला। अस्पताल द्वारा दी गई सूचना पर CWC की टीम ने आकर बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया और कलयुगी माँ की यह अमानवीय हरकत क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सब मिली है आज। कल कुछ बच्चे मछली मारने गए थे कैदाहवा ताल के किनारे अस्थलवा पुली के पीछे। तो कल एक झोले में इसको देखे थे, लेकिन कल केयर नहीं कर पाए, सोचे कि इसमें कुछ फेंका गया है। तो आज फिर दोबारा गए उसमें वहां मछली मारने, तो वहां देखे कि इसमें कुछ हिल रहा है और आवाज आ रही है। तो लोग एक डंडे से इसको हिला करके देखे, तो इसका पैर दिख रहा था। उसके बाद हमारे पास फोन किए, तो हम आए तो वहां देखे कि बच्ची है। तो बच्ची को निकाल करके हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा ले आए, जहां यह स्वस्थ है। मतलब 24 घंटे ये बच्ची वहां पड़ी रही। बरसात के पहले 36 घंटे से थी, परसों का फेंका हुआ है। धन्यवाद मैडम। बच्चे को चेक किया आप लोगों ने, तो क्या स्थिति है इसकी? बच्चे का स्थिति ठीक है। उसको हमने जेंटामाइसिन लगाया। बच्चा पहले रो नहीं रहा था, अब काफी अच्छा है, स्वस्थ है और दूध भी पी रहा है।